वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज सरस हियर। और आप लोग को तो पता है कि मेरा वेडिंग सीरीज चल रहा है जो कि उसका आज आखिरी लुक है ये। सो गाइस, ये जो लुक है वो थोड़ा बहुत रिसेप्शन का लुक है जो कि काफी कास्ट में कोई लोग पहले शादी कर लेते हैं फिर रिसेप्शन देते हैं, कोई लोग पहले रिसेप्शन कर लेते हैं फिर शादी करते हैं। तो ये जो लुक है जो पहले शादी कर लेते हैं देन फिर रिसेप्शन देते हैं वो ये वो वाला लुक है गाइस। सो मैंने ट्राई किया है कि मैंने जो सिंदूर है वैसे ही रखूं, मैंने गले में जो मंगलसूत्र है वो पहना है, मैंने मेकअप को थोड़ा मिनिमम रखा है क्योंकि मुझे अपने लिप्स को थोड़ा लाउड करना था, रेड करना था, इसलिए मैंने सिर्फ लाइनर लगाया है और मैंने थोड़ा सा हल्का सा आई शेडो किया है गाइस जो कि थोड़ा सा रेड में वाइन कलर है। एंड मैंने इसको अच्छे से दिस इयररिंग के साथ मैंने पेयरअप किया है। और ये जो है ये चूड़ी है, ये चूड़ा नहीं है, मुझे चूड़ा मिला नहीं तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं इसको एज अ चूड़ी को ही मैं चूड़ा बना के ये करूंगी। ये फोटो में देखोगे आप लोग को तो आप लोग को सेम लगेगा कि हाँ मैंने चूड़ा पहना है, बट ऐसे में ये चूड़ी है। तो गाइस ये मेरा पूरा लुक का डिटेल था। सो आप लोग देखिए कि मैंने ये मेकअप कैसे किया है, ये पूरा लुक कैसे किया है। सो मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी गाइस, सो प्लीज जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, आई रियली नीड योर सपोर्ट। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमेशा की तरह मैं अपना फेस मॉइस्चराइज करूंगी गाइस, ये न्यू व्यूअर के लिए है जो कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड देन इसके बाद मैं प्राइमर लगाऊंगी एंड प्राइमर आप अच्छे से अपने फेस पे स्प्रेड कर लीजिए। एंड नाउ आई एम यूजिंग सीसी क्रीम जो कि नरोवा का है एंड इसको भी अच्छे से आप ब्लेंड कर दीजिए अपने फेस पे और अच्छे से मिक्स कर लीजिए हर एक जगह ब्यूटी ब्लेंडर से। एंड देन उसके बाद मैं अपना फाउंडेशन लगाऊंगी जो कि मैक का है। मैं यूजली फाउंडेशन अवॉइड करती हूँ जैसे कि मैंने बोला है आपको, लेकिन ये थोड़ा हैवी लुक है रिसेप्शन का, इसलिए मैं फाउंडेशन भी यूज़ कर रही हूँ, सीसी क्रीम भी यूज़ कर रही हूँ। एंड इसके बाद मैं हुडा ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पे मेरे स्पॉट्स एंड पिगमेंट हैं उसको अच्छे से कवर कर रही हूँ मैं। आप लोग भी ऐसे ही स्टेप फॉलो करिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम प्रोडक्ट यूज़ करिए, आप लोग के पास जो भी अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं मेबलिन का हाईलाइटर कंसीलर ले रही हूँ जो कि मेरा जो फेस एरिया है उसको अच्छे से हाईलाइट करने के लिए। इसको भी आप अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दीजिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। एंड नाउ फिर उसके बाद आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे थोड़ा सा मेकअप फिक्सर फिक्स करके अपने जो फेस है मेकअप के साथ उसको अच्छे से डैप कर लीजिए जो कि मैं हमेशा करती हूँ। एंड नाउ उसके बाद मैं स्टूडियो फिक्स पाउडर ले रही हूँ अपने मेकअप को सेट करने के लिए। अच्छे से आप सेट कर लीजिए अपना मेकअप। एंड इसके बाद मैं अपना लिप इंजेक्शन लगा रही हूँ जो कि टू फेस का है, इससे थोड़े लिप मॉइस्चराइजर एंड प्लम्प रहते हैं। एंड नाउ आई एम यूजिंग माई आईब्रो पेंसिल जो कि ये भी निक्स का है, आप अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर लीजिए। मेरे थोड़े थिक आईब्रो हैं तो मैं हल्का हल्का जो गैप है वही फिल करती हूँ, आप इसको ब्रश करें। एंड इसके बाद जो मेबलिन का लूज पाउडर है वो यूज़ करी मैं अपनी आँखों के नीचे। एंड नाउ आई एम यूजिंग हुडा ब्यूटी रोज पैलेट जिसपे मैं अपना बेस कलर जो है वो ले रही हूँ। एंड इसको अच्छे से आप लेके ब्लेंड कर दीजिए। एंड मैंने बेकिंग इसलिए किया ताकि जो भी मेरे आई शेडो है वो नीचे गिरे तो मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ। एंड उसके बाद मैं मर्क्यूरी पैलेट ले रही हूँ जिसमें मैंने थोड़ा सा गोल्डन कलर लिया है, हल्का सा गोल्डन, आप अच्छे से इसको ब्लेंड करते रहिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। एंड अच्छे से ब्लेंड करिए। एंड इसके बाद से मैंने थोड़ा सा जो लाइट गोल्डन है वो ले करके मैं अपनी आँखों पर डैप कर रही हूँ, आप देखिए। एंड नाउ यूजिंग पिंक जो शिमर है हल्का सा वो ले रही हूँ अपनी आँखों के थोड़ा सा कॉर्नर में, आप देखिए सेम, और इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। एंड इसके बाद मैंने डार्क पिंक लिया जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं डार्क पिंक लेकर के अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपनी आँखों के कॉर्नर के साइड में ही। एंड इसको अच्छे से फिर ब्लेंड करते रहिए। एंड नाउ यूजिंग अपना फॉल्स लैशेस, इसको पहले आप अपने लैशेस को कर्ल करके एंड देन मैं मस्कारा लगा रही हूँ पहले से ही ताकि वो सिमिलर लगे मेरे जो फॉल्स हैं और जो मेरे रियल लैश हैं इससे। एंड नाउ आई एम यूजिंग फॉल्स लैश, देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ, आप लोग भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं।
एंड फिर इसके बाद लाइनर से आप अपना अच्छे से कवर कर लीजिए जो भी गैप हैं, और अच्छे से एक प्यारा सा लाइनर बना लीजिए अपनी आँखों पे, जैसे कि मैं बना रही हूँ। ये विंग लाइनर नहीं है, ये नॉर्मली लाइनर है जो आप लोग करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, मैं इतना हैवी लुक नहीं दे रही हूँ, ये थोड़ा सिंपल ही है। इसके बाद आप फिर से मस्कारा लेकर के आप इसको बैलेंस कर लीजिए जो भी फॉल्स हैं और रियल हैं उससे। एंड नाउ आई एम यूजिंग न्यूड काजल, जो कि मुझे थोड़ी सी अपनी आँखें बड़ी दिखानी है, इसलिए मैं न्यूड काजल यूज़ कर रही हूँ। एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा अपने आँखों के कॉर्नर पे शिमर यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा ग्लिटर है ये। एंड आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए जो भी बेकिंग किया है। एंड फिर मैं इसको कॉन्टोर कर रही हूँ, जो कि देखिए इसके बाद जो भी स्टेप है वो तो आप लोग को पता ही है। एंड ये मैं स्पेशली अपने न्यू व्यूअर के लिए कर रही हूँ। आप ब्लश लगा लीजिए एंड देन इसके बाद आप अच्छे से हाइलाइटर लगा लीजिए अपनी आँखों के पास एंड देन नोज़ पे, चीक्स पे, आप लोग को जहाँ जहाँ लगे कि हाइलाइटर लगाना है। एंड देन मैं इसके बाद लिप लाइनर लगा रही हूँ थोड़ा सा लिप को शेड देने के लिए। एंड इसके बाद मैं मैक का जो रूबी वाओ है लिपस्टिक वो यूज़ कर रही हूँ। एंड इसके बाद आप मेकअप फिक्सर से अच्छे से अपने फेस को स्प्रे करके टैप कर लीजिए। And now the look is done. See, simple and beautiful. And मैंने सोचा कि मैं हेयर स्टाइल क्या करूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रही हूँ, ओपन ही रख रही हूँ। एंड इसके बाद मैं अपना ज्वेलरी पहन के, यू नो, ओनली इयर रिंग सिंपल एंड मंगलसूत्र, क्योंकि मैंने बोला कि ये शादी के बाद का रिसेप्शन लुक है, थोड़ा बोल्ड, थोड़ा क्लासी, सो वैसा। अपने बालों को हल्का सा पिन लगा के टाई कर लीजिए, बाकी ओपन ही रखिए, इतना ये नहीं है। एंड आप अपने एक साइड के बाल को फ्रंट में ला करके ऐसे कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। सी, दोनों साइड भी रख सकते हैं। एंड ये चूड़ी है और मैं इसको एज अ चूड़ा ये करके पहन रही हूँ, बिकॉज मेरे पास चूड़ा नहीं था। एंड अपनी रिंग भी मैंने पहन ली। एंड इसके बाद मैं सिंदूर लगा रही हूँ, जो कि आप लोग देखिए। एंड मैंने सोचा कि मैं कर्लर ना यूज़ करके मैं अपने हाथों से ही हल्का हल्का थोड़ा सा कर्ल कर लेती हूँ, जो कि मेरे हल्का। सो दिस इज़ माय होल लुक गाइस। ये जो ड्रेस पहना है मैंने, ये मैंने नॉर्मल कपड़े से ड्रेप किया है। अगर आप लोग को जानना है कि मैंने कैसे ड्रेप किया है, तो प्लीज़ DM मी, मैं इसका एक और वीडियो लेके आऊँगी। एंड ये बहुत ही सिंपल क्लासी लुक है गाइज। आई नो थोड़ा बोल्ड है, बट इट्स अ प्रीटी लुक। सो दिस इज माई फाइनल लुक। आई होप मेरा ये पूरा लुक आप लोग को पसंद आया होगा, जो कि आफ्टर मैरिज रिसेप्शन देते हैं वो उनके लिए ये लुक था गाइज। और मेरा ये जो वेडिंग सीरीज है अब ये खत्म होता है। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू शेयर ऑल दिस माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज। मैंने सम हाउ मैनेज कर लिया हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी एंड रिसेप्शन ऑल्सो। सो गाइज, आप लोग की जो भी क्वेरीज हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, आई लव टू आंसर दैट। एंड प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए गाइज। आई रियली नीड योर सपोर्ट। और इस वीडियो को खत्म करते हैं गाइज। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।